हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंप्यूटर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम आपका कितने पार्ट से बढ़ता है? कंप्यूटर सिस्टम आपका तीन पार्ट से बढ़ता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। हार्डवेयर आज हम लोग विशेष तौर पर यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हार्डवेयर आपका दो, हार्डवेयर होता क्या है? तो हार्डवेयर एक मैकेनिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स जिसको हम लोग बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। जैसे आप अगर हार्डवेयर की दुकान पर अगर जाते हैं तो पूरे और आपके वहाँ पे हार्डवेयर पार्ट्स की आपको पूरा सामान मिलेगा। यानी कि हार्डवेयर क्या होता है कि मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक मैकेनिकल पार्ट्स होता है। यानी कि इसमें आपका दो पार्ट्स बढ़ता है, सीपीयू एंड पेरिफेरल। हम लोग सीपीयू के बारे में हम जानते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे इनपुट एंड आउटपुट के बीच में काम करता है। जैसे कोई भी हम लोग यहाँ पे डेटा को अगर हम लोग इनपुट कराएंगे तो यहाँ पे सीपीयू क्या करता है कि उसको प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करेगा और उसको हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट देता है। यानी कि इनपुट एंड आउटपुट के बीच के एक वर्क को ये करता है, प्रोसेस करता है। इसके चलते हम लोग इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है। उसी प्रकार आपका सीपीयू भी आपके दो पार्ट, तीन पार्ट से बढ़ता है, सीयू, एलयू और एमयू। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि जैसे हम लोग सीपीयू जो भी हम लोग प्रोसेसिंग किए हुए डेटा को अगर हम लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग कोई भी पेन ड्राइव में अगर हम लोग रख लें कोई भी डेटा को, तो उसका काम क्या होता है कि सीपीयू से पेन ड्राइव भेजने की प्रक्रिया क्या करता है, सीयू वहां पे भेजता है, जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एएलयू, जिसको हम लोग अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो सीपीयू में ही ये लगा होता है, इसका काम क्या होता है कि कोई भी अर्थमेटिकल वर्क हो, जो आपका मैथमेटिकल जो भी वर्क है उसको पूरा करता है, उसको सोल्व करता है कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। नेक्स्ट हमारा एमयू, एमयू होता है मेमोरी यूनिट। जैसे हम लोग कोई भी चीज के लिए, कोई भी डेटा को स्टोरेज करने के लिए हम लोग मेमोरी का यूज करते हैं, तो उसी प्रकार के यहाँ पे मेमोरी यूनिट भी आपका तीन, दो पार्ट से पड़ता है, प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का नाम से ही हमको पता चलता है कि जिसकी आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जिसकी आवश्यकता हमको बाद में पड़ती है उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे अब प्राइमरी मेमोरी की अगर हम लोग बात बोलेंगे तो ये क्या करता है कि इसमें जैसे यहाँ पे दो पार्ट से पड़ता है, रैम एंड रोम। तो जैसे हम लोग मोबाइल में भी देखते हैं, जैसे रैम का यूज होता है वहां पे, जैसे रैम का हम लोग प्रयोग करते हैं या रैम वहां पे यूज होता है मोबाइल में भी। तो रैम क्या करता है कि सबसे पहले जैसे हम लोग कंप्यूटर में अगर रैम की चर्चा करेंगे, यहाँ पे रैम के बारे में यहाँ पे पूरा आपको डिस्कस करूंगा उसके डिटेल्स रूप में। जैसे रैम क्या होता है कि एक सब अगर कंप्यूटर सीपीयू में रैम लगा होता है, यहाँ पे अगर सीपीयू में अगर रैम न रहे तो आपको यहाँ पे मॉनिटर में आपका डिस्प्ले नहीं देगा, मॉनिटर में आपको डिस्प्ले नहीं आएगा। अगर सीपीयू यहाँ पे कोई भी डेटा को प्रोसेस ही करे तो उससे कोई मतलब नहीं है, चूंकि वो आपको मॉनिटर पे आएगा ही नहीं, आपको मॉनिटर में दिखेगा ही नहीं जब तक आपके कंप्यूटर में रैम का यूज नहीं है। यानी कि सबसे इसी चलते यहाँ पे बोला गया प्राइमरी मेमोरी, यानी कि रैम की सबसे पहले आवश्यकता होती है कंप्यूटर में। यानी कि रैम अगर रहेगा तो आपको डिस्प्ले देगा, अब डिस्प्ले देगा तभी आप कोई वर्क को कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका रैम दो पार्ट से पड़ता है, एस रैम और डी रैम। अब एस रैम को संचालित करने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे रैम आपका दो पार्ट से पड़ता है, एस रैम और डी रैम। SRAM क्या होता है कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे SRAM और DRAM के बारे में। तो SRAM क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे DRAM क्या करता है, पहले हम लोग DRAM के बारे में जानेंगे। तो DRAM क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, मतलब उत्पन्न करता है। जैसे जनरेटर, तो जनरेटर क्या करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करता है, और उत्पन्न करने के बाद क्या करता है, उससे हम लोग बल्ब वगैरह जला सकते हैं, यानी जब तक वो चालू रहेगा। तो उसी प्रकार क्या होता है कि डीरैम भी वैसे ही है, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो जनरेट करने के बाद ये क्या करेगा, तो
तो ये जेनरेट करने के बाद ये एसरैम को सप्लाई करता है। अब एसरैम क्या करता है, जस्ट लाइक ए इन्वर्टर, इन्वर्टर में क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग जब लाइट कट गया तो फिर हम लोग उसका यूज करते हैं। तो सेम वही है, डीरैम क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करके वो एसरैम को सप्लाई करता है। अब एसरैम क्या करता है तो रैम मेमोरी को सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रोम के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे कि रोम होता क्या है। तो रोम क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी को सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं और इसमें कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। ओनली ये जस्ट लाइक ए टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक में क्या करते हैं हम लोग जैसे किताब में सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो उसी प्रकार का ये रोम क्या होता है कि जस्ट लाइक ए टेक्स्ट बुक, और रोम क्या होता है कि जस्ट लाइक ए एक्सरसाइज बुक। एक्सरसाइज बुक मतलब जिसमें हम लोग पढ़ सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं, वो आपका रैम मेमोरी होता है। जैसे हम लोग कोई भी अगर एप्लीकेशन में अगर हम लोग वर्क करते हैं तो वर्क क्या होता है कि किसमें वर्क होता है, रैम मेमोरी में वर्क होता है। बाद में जब हम लोग उसको सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, लेकिन जब भी हम लोग कहीं भी अगर वर्क करते हैं जो भी एप्लीकेशन में, तो जब तक वो सेव नहीं करते हैं तब तक वो रैम मेमोरी में ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग रोम के बारे में चलेंगे। रोम जैसे पीरोम, इसमें हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी करते हैं, लेकिन इसके प्रोग्राम को सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके इसको हम इसको क्या किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है अल्ट्रा वायलेट रेज से, सूर्य की परावैगिनी किरण से। उसके बाद है ईपीरोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको 12 वोल्ट डीसी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसके टेक्स्ट को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका ईएपीरोम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक अल्ट्रेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी डेटा को कोई भी जब टेक्स्ट को इसके अगर अंदर में टाइप कर दिया जाता है तो ये कहीं और अपीयर होता है, वहां पे वो शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी आपका पांच पार्ट्स में बढ़ता है, यहां पे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। तो हम लोग फ्लॉपी डिस्क क्या होता है कि ये मेमोरी का सबसे छोटा पार्ट्स होता है। क्या होता है, मेमोरी का सबसे छोटा पार्ट्स होता है, यानी ये भी क्या करता है कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है, लेकिन इसका मेमोरी बहुत ही कम होता है फ्लॉपी डिस्क का। अब इसका प्रयोग बंद हो गया है। नेक्स्ट हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि फ्लॉपी डिस्क से ही कलेक्शन करके ये हार्ड डिस्क का पूरा निर्माण हुआ है, और इसका क्या होता है कि मेमोरी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होता है। और अभी हम लोग कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का ही यूज करते हैं मेमोरी के रूप में। अब हम लोग चले गए यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क में। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है कि एक प्रकार का जैसे रील, जैसे हम लोग पहले कैसेट में देखते थे रील वगैरह का जो यूज होता था, जस्ट लाइक वही मैग्नेटिक टाइप होता है। उसके बाद आपका कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क मतलब हम लोग इसको सीडी का ही फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, यानी कि इसको ये क्या होता है तो ये भी हमारा मेमोरी को ये भी मेमोरी ही होता है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पे हमको ये देता है, यानी कंपैक्ट डिस्क। जैसे कोई भी इसमें हम लोग वीडियो स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, और एनी टाइप्स कोई भी पिक्चर्स को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कंपैक्ट डिस्क में। उसके बाद आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को भी आप लोग जानते होंगे, पेन ड्राइव और कार्ड रीडर जो होता है उसी टाइप का। पेन ड्राइव क्या होता है कि जस्ट लाइक ए पेन कैप, पेन कैप के जैसा होता है, लेकिन इसमें पहले ही से यूएसबी लगा होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि इसमें पहले ही से यूएसबी लगा होता है। जैसे कार्ड रीडर में क्या करते हैं कि हम लोग अलग से चिप लगाते हैं, लेकिन पेन ड्राइव में क्या होता है कि पहले ही से यूएसबी उसमें लगा होता है, जो हम लोग कोई भी डेटा को ये भी क्या करता है कि डेटा को स्टोर ही करता है। ये पेन ड्राइव क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पे हम लोग इसका यूज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज के लिए हम लोग